दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक आज बुलाई गई है। ये बैठक करीबन 12 बजे हरियाणा भवन में होगी और बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह करेंगे। बैठक में सीएम मनोहर लाल, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अनिल जैन, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला समेत नवनिर्वाचित सांसद भी मौजूद रहेंगे। माना यह भी जा रहा है कि बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर ही मंथन होगा और बड़ी बात यह भी है कि मिशन विधानसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी पूरी तरह से तैयार है, हौसले बुलंदियों पर है, मजबूत दावे हैं और इसी को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी बीजेपी। अब चर्चा इसी पर कि उपलब्धियां कौन कौन सी ऐसी जो जनता के सामने रखी जाए, तो भाजपा कोर ग्रुप की बैठक है दिल्ली में, बहुत ज्यादा अहम बैठक मानी जा रही है। अमित शाह भी इस बैठक में होंगे। बीजेपी के अध्यक्ष फिलहाल है मौजूदा अमित शाह, गृह मंत्री भी है देश के। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय स्थित भवन में होगी मीटिंग। ज्यादा जानकारी के लिए अनिल मोर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता दिल्ली से। अनिल मोर, और क्या जानकारी इस बैठक को लेकर आपके पास? देखिए, दिल्ली में आज हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का कार्यकाल कुछ ही दिनों का बचा है, क्योंकि कुछ दिनों बाद बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है। तो ऐसे में जाने से पहले जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां की जो बीजेपी है उन राज्यों में बीजेपी के कहीं ना कहीं पेट कसने का और कहीं ना कहीं भविष्य की रणनीति की जो एक अमित शाह की तरफ से टिप्स दिए जाएंगे। अमित शाह ने हरियाणा बीजेपी की बैठक 11 बजे बीजेपी मुख्यालय में बुलाई है, जिसमें बीजेपी के संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री रामलाल और हरियाणा प्रभारी अनिल जैन मौजूद रहेंगे। हरियाणा की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी के हरियाणा अध्यक्ष सुभाष बराला समेत जो कोर ग्रुप के 12-13 सदस्य वो सारे के सारे मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी के 3 महामंत्री इस बैठक में रहेंगे। बैठक का एजेंडा यही रहेगा कि 2019 में जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं वो ज्यादा दूर नहीं है, तो विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा बीजेपी की क्या कुछ तैयारियां उस बैठक में की जाएगी। इसके अलावा अमित शाह की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला की पीठ थपथपाने का काम भी किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने हरियाणा में क्लीन चिट किया है। 10 की 10 सीटों पर बीजेपी ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। ऐसे में और खासतौर पर अगर देखा जाए, बीजेपी ने 79 जो विधानसभा सीटें हैं जो हल्के हैं वहां पर बीजेपी ने जीत ली है। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का क्या टारगेट रह सकता है, वो टारगेट सेट करने का काम आज अमित शाह की तरफ से किया जाएगा। इसके अलावा पिछले दिनों जो संगठन को काम दिए गए थे अमित शाह की तरफ से, उन कामों का संगठन पूरा लेखा जो कहीं ना कहीं भी नजर आएंगे अमित शाह। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की शुक्रिया। अनिल मोर, आपने जानकारी दी है इस मीटिंग को लेकर।